हाय गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ये पिंकी ग्लैम सॉफ्ट लुक मेकअप, जो दिखने में आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज इट्स लुकिंग लाइक। सो हाउ आई अचीव दैट लुक, कंटिन्यू वॉचिंग, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी आईलिड पे एक मैट कंसीलर लगा लिया और उसको मैंने ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैंने एक लाइट ऑरेंज कलर एज अ ट्रांजिशन कलर मैंने अपने बेस पर उसको ऑल ओवर द लिड ब्रश की हेल्प से सारे में लगा लिया। देन आफ्टर आई टुक अ ब्राइट पिंक कलर और वो भी मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स के ऊपर डिपॉजिट किया। फिर और कलर लेते लेते मैंने उसको दोनों आईज के आउटर कॉर्नर्स पर डिपॉजिट करते हुए उसको काफ़ी फैला लिया। एक फैट ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर को इनर कॉर्नर्स पर डिपॉजिट किया और फिंगर की हेल्प से उसको फैलाते हुए एक ओम्ब्रे इफेक्ट दिया और फिर ब्रश की हेल्प से उसको सेट कर दिया। देन आफ्टर मैंने एक सिल्वर कलर का ग्लिटर लिया और वो भी मैंने कंसीलर वाली जगह पर अपने फिंगर्स की हेल्प से डिपॉजिट कर दिया। नाउ लुक एट द रिजल्ट्स। अपने इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं विंग आईलाइनर चाहती थी, सो यहाँ मैंने एक लिक्विड लाइनर की हेल्प से एकदम पॉइंटेड विंग लाइनर क्रिएट किया और लुक को अचीव किया। तो चलिए अब चलते हैं बेस मेकअप की तरफ। सबसे पहले मैंने एक फेस ऑयल लगाकर अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज किया। विंटर्स में मेरे को फेस ऑयल की जरूरत पड़ती है और इसके बाद मैं यहाँ एक एस द बेस रिकॉर्ड का प्राइमर यूज करते हुए ताकि मेरे पोर्स ब्लर हो जाएं। इसके बाद मैं एक कंसीलर लेकर के अपने फेस के सिर्फ डार्क स्पॉट्स को कवर कर रही हूँ एक छोटे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया और अपने सारे कंसीलर को डैब डैब करके सारे स्पॉट्स को कवर कर दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज आई है। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन लिया और अपने चीक्स और नोज से लगाना शुरू किया। यहाँ हम लाइट टू मीडियम कवरेज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरी मैच्योर स्किन है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना था। बाकी ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आप कैसा लुक अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद मैंने एक लाइट कलर कंसीलर लिया और अपने हाई पॉइंट्स पर रखकर उसी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सारे फेस पे लगा दिया। अब बारी आती है ब्रश लगाने की। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लिक्विड ब्रश यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने चीक्स और नोज़ पर रख लिया है, लेकिन इसको ब्लेंडिंग के लिए हमें हमेशा ब्लेंडर की ज़रूरत होगी। इसके बाद जो स्टेप आता है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वो स्टेप है जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड बेकिंग पाउडर। अब क्योंकि मुझे मेरे चीक्स कुछ ज्यादा पिंक पसंद है तो इसलिए मैं यहाँ पर आई मैजिक की पैलेट से एक पिंक कलर का पाउडर ब्लश भी लगा रही हूँ। बारी आती है कॉन्टोरिंग की, जो कि मेरे जैसे हेल्दी फेस को एक मॉडल फेस दिखाने में हेल्प करता है। वैसे मेरे जैसी मेच्योर स्किन पर हाइलाइटर एडवाइजेबल नहीं है, बट आई लाइक माई स्किन टू बी शाइन लाइक अ स्टार 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 स्टार। क्योंकि सर्जरी के लिए तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हम हमारी लिपस्टिक की हेल्प से अपने लिप्स को पाउटी लिप्स बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें छोटा फ्लैट ब्रश लेना है और एक डार्क कलर की लिपस्टिक लेनी है और लिप्स को अच्छे से आउटलाइन कर देना है। लिप्स को ज़्यादा पाउटी और ज़्यादा डायमेंशनल दिखाने के लिए मैंने लिप्स के बीच में भी दो तीन लाइनें बनाई हैं। इसके बाद मैंने एक ये बिल्कुल मिट्टी कलर की एक लिपस्टिक ली जिसको मैंने लगाया और आई वॉजन्ट सेटिस्फाइड विद द कलर, सो आई टुक अनदर न्यूड लिपस्टिक और मैंने वो इसके ऊपर अप्लाई करी एंड आई एम हैप्पी नाउ। कैन यू इमेजिन हम मेकअप आर्टिस्ट अपने डिजायर्ड कलर की लिपस्टिक के लिए कितने कितने शेड्स को ट्राई करते हैं। कैन यू बिलीव इट कि मैंने यहाँ पर तीन शेड्स लगाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर एक न्यूड कलर की आई पेंसिल ले रही हूँ और उसको मैं लोअर आईलिड पे पूरे पे लगा दिया। इसके बाद मैंने मस्कारा और फॉल्स लैशेज की हेल्प से अपने लुक को कंप्लीट किया है। तो ये था आज का एक पिंकी ग्लैम लुक जिसको मैंने बड़े ही इजी शब्दों में और इजी स्टेप्स में आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है एंड आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट वेल टू यू गाइज। सो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले ही किसी एक अच्छे ग्लैम लुक के साथ में। बाय बाय।